नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ख़ास वीडियो। दोस्तों, लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की एक सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टेंजा फॉर्म्स। और स्टेंजा फॉर्म्स की हम शुरुआत कर रहे हैं चौसेरियन स्टेंजा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज राइम रॉयल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेंजा फॉर्म्स की, और स्टेंजा फॉर्म्स में जो हम स्टेंजा आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, वो है चौसेरियन स्टेंजा, विच इज़ ऑल्सो नोन एज राइम रॉयल। दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों नामों से ये पूछ लिया जाता है, TGT, PGT, GIC, GDC, DSSB या अदर किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो स्टेंजा फॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट स्टेंजा फॉर्म्स लिटरेरी टर्म्स आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं चौसेरियन स्टेंजा की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज़ नोन एज राइम रॉयल ऑल्सो। इट कंसिस्ट ऑफ 7 ईएम्बिक पेंटामीटर लाइन्स। दोस्तों याद रखिएगा, 7 लाइन्स होती हैं एंड ऑल लाइन्स आर इन ईएम्बिक पेंटामीटर। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोइट्री में जो स्टेंजा, जो हमारा मीटर सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, वो है ईएम्बिक पेंटामीटर। इसे याद करने की एक मेट्रिक आपको बता देता हूँ, आप इसे USI से याद रख सकते हैं। When unstressed syllable, U for unstressed syllable, is followed by stressed syllable, S for stressed syllable, it is iambic pentameter. जब एक unstressed syllable stressed syllable से follow होता है तो वो iambic pentameter होता है। यानी unstressed syllable के बाद जब stressed syllable आए तो that is known as iambic pentameter। अलग से भी हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, मगर ये याद रखिएगा, बहुत important meter है। चलिए तो आगे देखते हैं, 7 लाइंस होती हैं इसमें और एम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। दोस्तों, अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राइम स्कीम। आपको सभी स्टेंजाज के नाम, उनकी कंसिस्टिंग लाइंस और उनकी राइम स्कीम, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। तो राइम स्कीम हम देखते हैं, आइए, ABABBCC, टोटल 7 लाइंस हैं दोस्तों, देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। राइम स्कीम ऑफ चौसेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल इज ABABBCC। दोस्तों, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय जेफरी चौसर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज चौसेरियन स्टेंजा। जी हाँ दोस्तों, चौसर ने इंट्रोड्यूस किया था इसे, इसीलिए उन्हीं के नाम से इसे जाना भी जाता है। और आइए देख लेते हैं, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चौसर इन हिज एपिक पोएम ट्रोलस एंड क्रिसिडा। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक एपिक पोएम है ट्रोलस एंड क्रिसिडा, जो लिखी थी 1380s में, और ये एपिक पोएम है और इसमें इन्होंने पहली बार इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था, इंट्रोड्यूस किया था राइम रॉयल और द स्टेंजा विच इज़ नोन एज चौसेरियन स्टेंजा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ट्रोलस और क्रिसिडा नाम सुनकर आपको एक नाम और याद आ रहा होगा, जी हाँ, एक प्ले लिखा था शेक्सपियर ने इसी नाम से। दोस्तों, शेक्सपियर ने इसी नाम से एक प्ले लिखा था 1602 में, तो दोस्तों ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौसर ने जो ये स्टेंजा फॉर्म थी, इट वाज बोरोड फ्रॉम फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, एक फ्रेंच पोएट एंड म्यूजिशियन थे चौसर, प्रोबेबली बोरोड इट फ्रॉम द फ्रेंच पोएट एंड म्यूजिशियन गिजोम डी मैशो। जी हाँ दोस्तों, गिजोम डी मैशो, हमने इस PDF के लास्ट में भी ये लाइन, ये मेंशन कर दिया है पॉइंट। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलता रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर हमने एक टेस्ट सीरीज़, एक क्विज सीरीज़ चलाई हुई है, जो कि TGT, PGT, GIC, GDC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वीडियो की जो PDF है दोस्तों, अगर आप उसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, चौसेरियन स्टेंजा की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड राइम रॉयल बिकॉज इट वॉज यूज बाय किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन द 15th century इन इज वेल नोन पोएम किंग स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, इसे राइम रॉयल भी कहते हैं। अब राइम रॉयल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट वॉज यूज बाय द
किंग, जी हाँ दोस्तों, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, किंग थे। उन्होंने एक पोएम लिखी थी, उनकी एक बुक थी किंग स्क्वायर। दोस्तों किंग क्वेयर्स का ही मतलब होता है किंग्स बुक, राजा द्वारा लिखी गई बुक, जिसमें उन्होंने स्टेंजा का जो यूज़ किया है वो राइम रॉयल है। तो दोस्तों इसके दो नाम हो गए, क्योंकि एक राजा ने यूज़ किया था जेम्स फर्स्ट ने, तो राइम रॉयल, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय जेफरी चौसर, हु इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। जैसा कि आप जानते हैं चौसर के बारे में, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे चौसर स्टेंजा कहा जाता है। चलिए दोस्तों एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं आगे चलकर। विलियम शेक्सपियर यूज दिस फॉर्म ऑफ स्टेंजा इन इज नैरेटिव पोएम द रेप ऑफ ल्यूक्रीज, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1594। जी हाँ दोस्तों, फेमस पोएम है शेक्सपियर की, इस पोएम में उन्होंने चौसर स्टेंजा का इस्तेमाल किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट की तरफ। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टेंजा आर द सर थॉमस याट डाई फ्ली फ्रॉम मी, इट वॉज पब्लिश इन 1557। जी हाँ, टोटल्स मिसलेनी में ये इनकी पोएम पब्लिश हुई थी, और विलियम वर्ड्सवर्थ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, उनकी ये पोएम पब्लिश हुई थी 1807। इन दोनों ही पोएम में इन्होंने चौसर स्टेंजा का इस्तेमाल किया था। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था, चौसर प्रोबेबली बोरोड इट फ्रॉम द फ्रेंच पोएट एंड म्यूजिशियन। दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ये फ्रेंच पोएट हैं गीजोम डी मैशो। जी हाँ दोस्तों, इनकी डेट ऑफ बर्थ भी आपके यहाँ पर दिखी है, 14th century से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी चौसर स्टेंजा से, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हमने आपको बता दिए हैं। इसकी राइम स्कीम और इसकी सारी चीज़ें हमने आपको दे दी हैं। दोस्तों इसका PDF, इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों ये सीरीज़ है हमारी लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स की, और आज हमने इसकी शुरुआत की है चौसर स्टेंजा से। नेक्स्ट वीडियो में नया स्टेंजा फॉर्म आपके सामने लेकर आएंगे। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल।